नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पीओके में पाकिस्तान का विरोध, आजादी की मांग। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आजादी की मांग कर रहे हैं। सीएनएन आईबीएन पर प्रसारित एक रिपोर्ट के अनुसार लोग इलाके में विकास न होने से नाराज हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कथित रूप से मुजफ्फराबाद, गिलगेट, कोटली सहित पीओके के अन्य इलाकों में हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनके मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है और महिलाओं के साथ ज्यादती की गई है। पीओके के निवासी यह भी कहते हुए पाए गए हैं कि पाकिस्तान से बेहतर देश भारत है। मुंबई लोकल विस्फोट मामले में 5 लोगों को मृत्यु दंड। मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के 9 वर्ष बाद एक विशेष मौका को अदालत ने बुधवार को यहां मामले के 12 दोषियों में से 5 को मृत्युदंड और शेष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 188 लोग मारे गए थे। विशेष न्यायाधीश यतीन डी शिंदे ने फैसला सुनाते हुए कमाल अहमद अंसारी, मोहम्मद फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई है। इन 5 लोगों ने बम लगाए थे। इसके अलावा तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी शेख, आलम शेख, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुजम्मिल शेख, सोहेल महमूद शेख और जमीर अहमद शेख को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिवाली के पहले बड़ा हमला कर सकता है आईएसआईएस। कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस दिवाली के पहले भारत में बड़े हमले की साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी कर देश के कई राज्यों में आतंकी हमले को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार आईएस के निशाने पर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पंजाब आदि हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी भी इस काम में आईएसआईएस की मदद कर रहे हैं। 2-3 आतंकियों के गुट के जरिए इन हमलों को अंजाम देने की साजिश है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास और मुंबई एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण इमारतें भी आईएस आतंकवादियों के निशाने पर हैं। विभिन्न राज्यों की पुलिस को इस साजिश के बारे में सूचित कर दिया गया है। शरीफ के साथ रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं नरेंद्र मोदी। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ ने एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाया तो इसमें कुछ असामान्य नहीं था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप से जब दोनों नेताओं के एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री शरीफ के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून के साथ अपनी बैठक में शरीफ की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के मुद्दे पर स्वरूप ने कहा कि अगर हमें लगता है कि इस पर जवाब देने की जरूरत है तो हम इस पर जवाब देंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।